हेलो द नमस्ते इज द जैसे आपको मालूम है कल पुणे में बारिश हुई है, काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका है। सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 6:20, हम लोग मुंबई जा रहे हैं एक चीज़ के लिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बस यहाँ से आगे निकलता हूँ, मेरे दोस्त के वहाँ पहुँचता हूँ और फिर हम निकलते हैं। 7:15 की ट्रेन है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो बस अभी मैं ऑटो या लिफ्ट कुछ लूँ और फिर निकलूँ यहाँ से, फिर आपको आगे मिलता हूँ। हाय साहब, लकीली रिक्शा मिल चुकी है, इतनी सुबह मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था मिलेगी, मुझे तो लगा गई ट्रेन आज हाथ से। ओहो क्या कलाकारी है भाई, पुणे में कुछ भी होता। इट्स अ हैप्पी सनराइज एंड वी आर सुष्मित बाबल हियर। भाई साहब मुंबई जा रहे, कैसा फील हो रहा है, जिस चीज को जा रहे एक्साइटिंग फील हो रहा है। क्या बात है, सीधा ट्रेन पहुंचने के लिए हमको और 15 मिनट लग सकते हैं। काफी खूबसूरत नजारा पुणे देख लो दोस्तों। स्टेशन पहुंच चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारी गाड़ी है, जल्दी से निकलते हैं, पहुंचते हैं, ट्रेन में बैठ के वापस ब्लॉग करता हूँ। काफी मजेदार नाम है इसका, नहीं डेक्कन क्वीन, और मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था, काफी बहुत बार सुनोगे तो अभी सुन रहे हो। ये मतलब यहाँ से मुंबई की जर्नी, इसमें ना बहुत मजा आता है। देखो शुरू हो गई, देखा अभी तो भाई फील लेना, बाकी आगे मॉन्टेजेस वगैरह डालता हूँ मैं इसके, मजा आएंगे आपको। आप ट्रैवल कर चुके होंगे लेकिन देख लेना, और पुणे का वेदर फिलहाल काफ़ी अच्छा है, तो इस वेदर से हम मुंबई जाने वाले हैं। मुंबई के वेदर में तो बैंड बजेगी है ना, तो क्या लगता है, वेट तो होना है। तो ठीक है, वेट हो जाते हैं, और फिर अभी फ़िलहाल मैं नर्वस हो गया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आगे मिलते हैं भाई। That is पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, और वो तो नहीं पता, वो पहाड़ है ऐसे। हम बोर हो रहे हैं, आईफोन फ्लेक्स कर रहा है बंदा। दादर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आए, पता नहीं कौन सी जगह है ये, पटकना गलत बात हो गई। देखो मार के भगा देगा ये, तो नींद भी बहुत आ रही है, तो डिसाइड किया कि यहाँ पे नाश्ता करेंगे और यहाँ से सीधा सोने जाएंगे। कैमरा इधर अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा नया नया है तो सिखा रहा हूँ इसको अभी तक कैसे बनता है सब कुछ। तो मैंने तो अभी हमने यहाँ पे चीज़ उत्तप्पा ऑर्डर किया है, काफ़ी मज़ेदार लगता है यहाँ का। मैं चाहिए तो लोकेशन बाद में बता देता हूँ आगे, और इसके बाद हम लोग जाएंगे जोस्टर, इस जोस्टर में करेंगे मज़ा। पिछले टाइम मैंने इसको सिखाया था कि काट के कैसे खाते हैं, अभी ये प्रो हो चुका है। प्रो हाँ ठीक है, करेक्ट। रिकट कर देना अगला वाला काम। इसको हाँ, ऐसे करके हाँ, फोल्ड हो जा। तो खाके हो गया, अभी हम जाएंगे अंधेरी ईस्ट, लोकल पकड़नी है, लोकल पकड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि बस से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। धूप काफी तेज है यार, हमने कितने 4-5 ग्लास तो पानी के ऐसे ही पी लिए, अभी और एक बॉटल ली है। व्लॉग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट मैं करूँगा आप लोगों के लिए सर, समझ रहे हो, आप लोगों के लिए कुछ भी। तो यहाँ से फिलहाल जाते हैं। अंधेरी पहुंच गए, अंधेरी ईस्ट जाने के लिए हमको यहाँ से कैब या तो ऑटो करनी पड़ेगी, इसने टिकट का रोल बना लिया है, अब देखते हैं। बहुत थक गए हैं यार, लिटरली बहुत थक गए हैं, फुल पसीने में भर चुके हैं, इतनी ह्यूमिडिटी तो इमेजिन की नहीं थी। ऑल वेट हो गए, सच्ची में ऑल वेट हो गए। अंधेरी से अंधेरी ईस्ट हॉस्टल तक 84 रुपीज़ होता है।
एक्चुअली तैयार होके एकदम फिट पॉइंट परफेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन आपको रूम दिखाने के लिए मैं बाहर आया हूँ बस। तो देखो मैं अभी फिलहाल थाने में रुका हूँ और ये इस रूम का हुलिया है, यहाँ पे और लोग रहे हुए हैं। तो हॉस्टल में ऐसा होता है कि जैसे डॉम्स हैं ठीक है, और बंग बेड्स में, तो हमारे ये दो बेड्स हैं जो बुक किए हुए हैं और यहाँ पे दूसरे लोग आते हैं कि यू कैन कम मीट न्यू पीपल, चैट विद देम, बी हैप्पी विद देम, एंजॉय विद देम एंड पार्टी शॉडी रात को कर सकते हैं। फिलहाल तो हमको जाना है फीनिक्स मार्केट सिटी, राइट ब्रदर? और मैं बता दूं, वी आर गोइंग टू द कुलम कोर कॉम्पिटिशन। सॉरी इट्स अ कॉन्सर्ट, तो मिलता हूँ मैं, बाय। मुंबई काफ़ी मज़ेदार जगह है, लोग कहते हैं द सिटी ऑफ ड्रीम्स, पर इसे वही लोग कहते हैं जिनको अपना सपना यहाँ मिलता है या जिनके सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं। मुझे तो यही लगता है, मतलब ज़रूर विजिट करना चाहिए फॉर टू रीजन्स, एक परेशानी से एस्केप करने के लिए और दूसरा परेशानी में गिरने के लिए, पर मज़ा भी उतना ही है। अपन लोग जो पुणे में रह रहे हैं ना, उनकी लाइफ फिर भी थोड़ी आराम से चल रही है मेरे को ऐसा लगता है। मुंबई की लाइफ में इतना स्ट्रगल और मतलब स्पीड है ना कि आदमी परेशान हो जाता है कभी कभी, पर वही ये कहते हैं कि अपने सपनों की तरफ पहुंचने के लिए इतना जल्दी काम करो, अच्छे से काम करो, मेहनत से काम करो तो पूरे होते हैं। इसलिए शायद इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, चाहे आप कहीं पर भी रहो, बस मेहनत करो, सक्सेसफुल बन ही जाओगे। और जाके जल्दी से खाएं तो थोड़ा एनर्जी आ जाए, भाई को एनर्जी चाहिए कि नहीं, ब्लॉक करेंगे नहीं। तो खाने आ गए हम, जैसे जैसे हमको ये रेस्टोरेंट मिला, चीज़ पाव भाजी, एक पीच आइस टी, कोल्ड कॉफ़ी, एक कोल्ड कॉफ़ी मंगाई गई है वो भी इतनी गर्मी में। जीनियस इंसान है ये। ये लोकेशन है जहाँ पे जाना है हमको, उधर है कॉन्सर्ट कलमकार इज़्दा, बहुत मज़ा आएगा इज़्दा। क्या दिखा रहे हैं? ओके इज़्दा, भूख लगी है इज़्दा। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, मैं इतने टाइम से क्यों गायब था, किस चीज़ के लिए गायब था, अभी तक चैनल एक्टिव क्यों नहीं हुआ था। एंड बाय द वे आपने नोटिस किया रहेगा नीचे नाम देख लीजिए, अभी ऐसा है कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, मेरे पास माइक्रोफोन भी नहीं है, तो आपको आवाज़ कितनी आ रही है मेरे को उसका आइडिया भी नहीं है। तो जब तक वो पूरा इन्वेस्टमेंट करके जब तक चीज़ें लेके आऊँ तब तक इसमें मैनेज कर लो यार। ये सोया नहीं है, ये बेहोश होने वाला है। अभी 4:11 हुआ है, कॉन्सर्ट 6 बजे है, कि मेरे को लगता है ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है और हम लोग कल शाम को निकलेंगे वापस। स्टे ट्यून्ड सर, स्टे ट्यून्ड। तो बस ड्रॉप करके ऑटो लेने का आइडिया बेस्ट था, क्या बोलते हैं? Yes, गर्मी तो भाई इतनी ज़्यादा हो रखी है और पैसा भी बहुत है हाँ, इसलिए हम लोग ने रिक्शा ले ली मीटर पे। कहाँ पे? फिनिक्स मार्केट सिटी कुरला में शायद, जगह हम तो पहली बार एक्सप्लोर करेंगे वो चीज़। ये पुणे का फिनिक्स बड़ा है क्या? इधर का है सर। बड़ा 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 बड़ा। इतनी ट्रैफिक और इतनी गर्मी, मुंबई ने क्या वेलकम दिया है। गर्मी तो भाई मेरे को ऑटो वाला अंदर का कलर बहुत पसंद है, ब्लू कलर। ये वाइट साहब चला रहे हैं। आपका क्या नाम है? निसार खान। हाँ, निसार खान, साहिर खान, निसार खान। जा निसार है, जा निसार। क्या मजा आ गया। बैग्स अगर यूज कर रहे हो ना तो नहीं टिकने वाला, ह्यूमिडिटी और गर्मी ना बाल खराब कर देने, ऐसे ही आपके मेरे जैसे बन जाओ। मेरे जैसे तेरे बाल कैसे? फिलहाल गंदे हैं। कलमकार 8 बजे आने वाला है और हम 6 बजे पहुंच रहे हैं। 6 बजे नहीं, 5:30 को जा रहे हैं। 5:30 बजे पहुंच जाएंगे। कुछ आइडिया नहीं क्या करना है, लेकिन करेंगे कुछ तो। देखते हैं पहले कौन आ रहा है। कॉन्सर्ट में अपने पुणे का छोकरा MC स्टैन है, कैसा लगता है भाई? मज़ेदार, इसको तो मज़ेदार लगता है। मैंने भी गाने सुने भाई, कहीं तो पहुँचा है बंदा। स्ट्रगल और मेहनत सबको कहीं ना कहीं पहुँचा देती है। आप भी करो, हम भी कर ही रहे हैं मुंबई में। तो ये फिनिक्स मार्केट सिटी है मुंबई का। मजा नहीं आया यार ज्यादा एंट्रेंस देख के, अपना पुणे का एंट्रेंस ज्यादा अच्छा है। तो अगर ये दूसरा साइड है एंट्रेंस का तो कह सकते हैं कुछ हो सकता है, बट फिलहाल तो इतना मजा नहीं आया, बहुत सादा है। क्या बोलते हैं? लेके मानता नहीं
वो रिकॉर्ड हुआ मालूम क्या? क्या रिकॉर्ड हुआ? कुछ बोला दिले के मानता नहीं। अंदर से अच्छा लग रहा है बे, बाहर से थोड़ा भाई। यार यहाँ का डेकोरेशन अच्छा है। डबलिन ना क्या? डबलिन 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 स्क्वायर। यस, अभी तक गेट्स खुले नहीं है, 6 बजे गेट्स खुलेंगे। और ये जो आपने अभी क्लिप देखी वो ड्रैगन लैंड की है। कर्मा गाइस चेक आउट अपना सौरभ दो क्रेजी गाय। तो अभी आपने जो देखा काफी कमाल चीज हो गई। अभी तो कर्मा ने भी बोल दिया है तो आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वैसे वी सॉ दिस ग्रेट रेस्टोरेंट हियर सो वी जस्ट वांट टू चेक इन कि कैसा है ये। एज यू कैन सी बहुत गजब है ये। Oh my god, this is a whole new place. कैसे मेरे को भेजना। थैंक्स। द शो वॉज अमेजिंगली इनक्रेडिबल। अभी बहुत थक चुके हैं, हमने खाया बहुत अच्छे से खाया, अभी निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए। और इसको कृष्णा से मिलना था पर वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। पर ठीक है यार, कर्मा से मिल लिए, बड़ा सेटिस्फैक्शन हो रही है। क्या बोलते हो? चलो वो सही है। चलो 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 अभी निकलते हैं, मॉल बंद हो चुका है और हम लोग अभी तक इधर ही घूम रहे हैं।